सबको सादर अभिवादन। आज शिक्षक प्रशिक्षक समूह के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, वो है कि एक अच्छा शोध पेपर, एक अच्छा शोध प्रपत्र क्या है और उसको लिखने के लिए किन प्रक्रियाओं और सावधानियों की ज़रूरत होती है। मैं इस पे चर्चा करूँगा। इससे पहले कि हम इस विषय पे और आगे चर्चा करें, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले ये कि जैसे जैसे ये व्याख्यान आगे बढ़ता जाएगा, आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे और आप निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से वो यहाँ इंगित करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ी देर इस व्याख्यान को सुनें और हो सकता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उसमें मिल जाएं और बाद में फिर आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा मेरा आग्रह आपसे ये भी रहेगा कि ज्ञान के तीन चरण हैं, सुनना, बुनना और गुनना। तो आप जो कुछ आज हम लोग बात करेंगे उसे सुनें, उस पर विचार करें और बाद में उसका अभ्यास करें तो इस व्याख्यान की सार्थकता और अधिक बढ़ जाएगी। मैं अपनी बात को आपके सामने तीन चरणों में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। पहला चरण जिसमें हम लोग बात करेंगे कि शोध क्या है, शोध की आवश्यकता क्या है, यानी जिसको मैं कह सकता हूँ एक पृष्ठभूमि। दूसरे चरण में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा रिसर्च पेपर या हिंदी में कहें तो शोध प्रपत्र क्या होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और तीसरा कि हम शोध प्रपत्र लिखते समय किन तकनीकों का इस्तेमाल करें, क्या सावधानियां बरतें। तो इन तीन चरणों में मैं अपने व्याख्यान को बांटता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं छोटी छोटी सरल सरल बातों के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से जब ये व्याख्यान समाप्त होगा तो हम शोध प्रपत्र लिखने के बारे में अपनी पूर्व जानकारी को फिर से दोहरा पाएंगे और कुछ नया भी सीख पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यहाँ जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर सोमू को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम शुरुआत करते हैं अपनी बात की, जो आज है, जो विषय है शोध। पहला सवाल कि शोध कौन कर सकता है, हु इज अ रिसर्चर। इसके बहुत आप उत्तर खोजेंगे, बहुत उत्तर मिलेंगे, लेकिन मेरा अपना मत है कि एनीबडी कैन बी ए रिसर्चर, कोई भी शोधकर्ता हो सकता है, कोई भी। हमारे माता पिता, कोई किसान, कोई भी एक शोधकर्ता हो सकता है। अभी हाल फिलहाल अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि टिड्डियों का हमला हुआ और एक किसान ने अपने खेत में एक यंत्र बना दिया, तो वो एक शोधकर्ता है, उसने यंत्र बना दिया अब बिना किसी की मदद के कि अपने खेत को टिड्डियों के हमले से कैसे बचाए, उसने रिसर्च कर दी। तो कोई भी रिसर्च कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी रिसर्च कर सकता है, कोई भी रिसर्चर बन सकता है। अब अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिस पे चर्चा करने की जरूरत है कि रिसर्च है क्या। रिसर्च को लेके हम बहुत सारी परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। कहीं पर रिसर्च को एक प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, कहीं पर रिसर्च की परिभाषा में प्रोडक्ट की बात होती है, कहीं पर पर्पज की बात होती है। तो एक शोधार्थी के सामने कई बार ये प्रश्न होता है कि भाई रिसर्च है क्या, और मैं जो कर रहा हूं क्या वाकई वो रिसर्च है या नहीं है। मैं भी इस समस्या से दो चार हुआ, एक शिक्षक होने के नाते बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं और वो मुझसे पूछते थे कि सर हम रिसर्च को सरल तरीके से समझे कैसे। तो मैंने एक परिभाषा बनाई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि उससे आपको एक रास्ता मिलेगा, और परिभाषाएं तो हैं ही, जो परिभाषा मैंने गढ़ी वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो परिभाषा ये, एनी एक्टिविटी फॉर बेटरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस, इसको हम रिसर्च कर सकते हैं। यानी हम नीति बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, प्रक्रियाएं बनाने के लिए, कोई उत्पाद बनाने के लिए हम जो कुछ करते हैं,
और अगर कुछ ये चीज़ें बनी हुई हैं तो इनको बेहतर करने के लिए जो कुछ करते हैं उसको मैं कहता हूँ कि रिसर्च है, शोध है। आप इसमें आगे से जोड़ सकते हैं, आगे परिभाषाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सरल परिभाषा है। और हम सब अपने जीवन में इस तरह के काम करते ही रहते हैं, नई चीज़ों में सुधार करते रहते हैं और कुछ नया विकसित करते रहते हैं। तो हम ये सब कहें कि रिसर्च हमारी जीवन यात्रा का एक हिस्सा है, हम सब कहीं ना कहीं रिसर्च करते रहते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक संस्थान में जाकर रिसर्च करे, लेकिन रिसर्च तो हम करते ही रहते हैं। अब अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि शोध का उद्देश्य क्या है, हम करते क्यों हैं शोध। इसका उद्देश्य ये कि हम अमूमन शोध अपने खुद के सेटिस्फेक्शन, अपने खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, बात इससे आगे बढ़ जाती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं अपने खुद के सुख के लिए रघुनाथ जी की ये गाथा गाता हूँ। उन्होंने ये बात कह के लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो आगे उन्होंने लिखा कि सुरसर सम सब कर हित होई। सुरसर माने गंगा, यानी अब जो मैं कुछ कह रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ, उससे सबका भला हो। यानी एक रिसर्च जब की जाती है तो रिसर्चर का पहला उद्देश्य तो निश्चित रूप से अपने पास होता है कि भाई मेरा अपना कल्याण हो, अपना फायदा हो, लेकिन फिर रिसर्च की प्रक्रिया में जुटने के बाद वो अपने को अपने तक ही सीमित नहीं रहता, वो जन कल्याण की बात करने लगता है, जिसको हम भारतीय दर्शन में व्यष्टि से समष्टि की भी हम तरफ कहते हैं। तो इसका मतलब रिसर्च वो जो आपको भी खुश करे, आपको भी सुखी करे, लेकिन मानव जाति सभ्यता का कल्याण भी करे, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबका कल्याण करे, ऐसी मंगल कामना भी करती है। अब यहीं पर बात अगली आती है कि ऐसा होगा कैसे, आप जो रिसर्च करेंगे वो दूसरों का फायदा कैसे कर पाएगी। निश्चित रूप से वो फायदा तब कर पाएगी जब उस रिसर्च का आप प्रचार प्रसार करेंगे, और अगर आपने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया तो आपने रिसर्च बहुत अच्छी की लेकिन उसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली, तो बात कैसे बनी। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या ऐसा हुआ कि पश्चिमी सभ्यताएं हमसे आगे बढ़ गई और हम जो एक समय बहुत विकसित थे वो पीछे रह गए। कुछ लोग कहते हैं हमने रिसर्च नहीं की, मैं ऐसा मानता हूं हमने रिसर्च तो की लेकिन रिसर्च का प्रचार प्रसार किया नहीं, जो हमारी रिसर्च थी उसे हमने अपने तक सीमित रखा, अपने पास रखा, अपने घर परिवार में रखा, और हम गए या हमारा घर परिवार नष्ट हो गया तो हमारी रिसर्च भी नष्ट हो गई। पश्चिमी जगत इस मामले में आगे रहा कि उन्होंने रिसर्च भी की और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया, और डॉक्यूमेंटेशन किया तो वो रिसर्च आगे बढ़ी, फैली और लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। तो शायद ये हमें बताती है कि हमें रिसर्च करना भी है और उस रिसर्च का प्रचार प्रसार भी करना है। और उस रिसर्च का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे माध्यम हैं और उसी में एक माध्यम है जिसको कहा गया रिसर्च पेपर। और ध्यान रखिए कि भारत ही वो देश है जिसने पहली बार कहा कि विद्या बांटने से बढ़ती है, और संस्कृत का वो श्लोक आप स्मरण करें जिसमें कहा गया न चौरचार्यम न राजहार्यम और न भ्रात भाज्यम नच भारकारी वे प्रते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, कि ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है और न ले चलने में भारकारी है, और पूरी दुनिया में केवल विद्या ही ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो मित्रों, क्यों नहीं हम अपने रिसर्च को बांटते, क्यों नहीं हम पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। तो इसलिए रिसर्च पेपर तो हमको लिखना ही है, लेकिन ध्यान रखिए पेपर के साथ रिसर्च लिखा हुआ है, पेपर के साथ रिसर्च का शब्द जुड़ गया। खाली पेपर नहीं लिखना है, रिसर्च लिखना है। तो मेरा ये जो पहला चरण है इसमें मैं आप
आपसे ये साझा करने की कोशिश कर रहा था कि रिसर्च हमारी जीवन का हिस्सा है। हम सब नित निरंतर रिसर्च करते रहते हैं, बातें रिसर्च करते रहते हैं, संस्थानों में भी करते हैं, अपने घर परिवार में भी करते हैं, समाज में भी करते हैं। और जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारा अपना भी भला है और हम पूरे समाज के कल्याण की भी कामना करते हैं। लेकिन ये बात तब और आगे बढ़ जाएगी जब हम अपनी रिसर्च को एक पेपर के रूप में लिखेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उसे दुनिया के साथ साझा करेंगे। तो अब यहाँ से मैं अपने व्याख्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करता हूँ। और उस चरण में जैसा मैंने कहा कि चर्चा इस बात पे कि एक रिसर्च पेपर है क्या और एक रिसर्च उस रिसर्च पेपर को लिखने का तरीका क्या है, प्रक्रिया क्या है। कई बार हम लिखते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये तो रिसर्च पेपर नहीं है। आप सब ने जब छोटे रहे होंगे तो ऐसे लिखे होंगे, निबंध, हम लोगों के हिंदी में या अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में निबंध आ जाते थे। निबंध में और रिसर्च पेपर में क्या कोई अंतर है, ऐसा भी सवाल उठता है। और मैं इसमें कहूंगा जी बिल्कुल अंतर है। आप सिर्फ अपनी बात कहें, अपने मन की बात कहें, वो रिसर्च, वो ऐसे है, निबंध है। और उसमें अपना अपने शोध का कुछ अंश डाल दें, दूसरों के शोध का कुछ अंश डाल दें और उसके माध्यम से अपनी बात को कहें, तो वो तब्दील हो जाता है रिसर्च पेपर में। तो इसका मतलब ऐसे जब हम लिखते हैं तो पहली कड़ी है, लेकिन ऐसे रिसर्च पेपर नहीं है। और एकेडमिक वर्ल्ड में जो पहचान है वो रिसर्च पेपर की है। रिसर्च पेपर की बहुत सारी, आप गूगल पे सर्च करेंगे यू विल गेट अ नंबर ऑफ डिफिनीशंस ऑफ रिसर्च पेपर, बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। लेकिन सरल सी परिभाषा दो आपके सामने लाता हूँ कि रिसर्च पेपर एक 10 से 15 पेज, और 10 से 15 पेज की बात करें अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं फोर्ट साइज के पेपर में, तो एक पेज में 500 शब्द आते हैं, यानी 10 पेज यानी 5000 और 15 7500 यानी 5000 to 7500 वर्ड्स। इस तरह का एक एकेडमिक ऐसे है। एकेडमिक ऐसे मींस जिसमें दूसरों के शोध के निष्कर्ष भी हो, उनके माध्यम से अपनी बात कही हो। रिसर्च पेपर की एक दूसरी परिभाषा भी आती है, वो ये कहती है कि रिसर्च पेपर वो जिसमें या तो आपके मौलिक शोध का वर्णन किया हो, आपने कुछ नया शोध किया, उसकी प्रक्रिया आपने विस्तार से समझाई हो, या दूसरों के शोध को आधार मानते हुए, जिसको हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी कहते हैं, दूसरों के शोध को आधार मानते हुए आपने अपनी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हो, तो ये इस तरह का आप कुछ भी लेखन करेंगे तो वो रिसर्च पेपर कहलाएगा। बहुत सारे इसके नाम है, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, इस तरह के कई नाम हैं। लेकिन मूल बात ये कि आप जो कुछ लिख रहे हैं उसमें शोध का अंश शामिल होना चाहिए। वो शोध का अंश आप खुद भी कर सकते हैं या किसी दूसरों ने शोध किया है। आपने मेटा एनालिसिस एक शब्द सुना होगा। मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं कि दूसरों ने जो रिसर्च की है उनकी फाइंडिंग को मिला के एनालिसिस करके हम एक नई फाइंडिंग देते हैं। तो आप दूसरों के शोध पर भी शोध कर सकते हैं, अपने शोध को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और दोनों को जब आप लिखते हैं तो जो आप लिख रहे होते हैं उसको हम कह सकते हैं सरल भाषा में कि ये एक रिसर्च पेपर है, शोध प्रपत्र है। और आपको ये भी पता है कि बहुत तरह की रिसर्चेज है। आप लाइब्रेरी डेस्क रिसर्च भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कर सकते हैं। और कई बार सवाल ये भी उठता है कि मैं कौन सी रिसर्च करूं। रिसर्चर्स के बीच भी बड़ा झगड़ा है, कौन से तरह की रिसर्च अच्छी है बुरी है, इसको लेके बड़ा झगड़ा है। मौका मिलेगा तो मैं डॉक्टर सोमून से अनुरोध करूंगा कि मुझे एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें। शोध में झगड़े बहुत तरह, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो, पैरामीट्रिक, बहुत तरह की कौन सी रिसर्च अच्छी है। लेकिन मेरा यही मानना कि आप कोई भी रिसर्च करें, हर रिसर्च अच्छी है जो रिसर्च के पायदान पर खरी उतरे वो, और जिसमें आपका भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो, वो हर रिसर्च अच्छी है, हर प्रक्रिया अच्छी है। और मैं बच्चन जी की पंक्तियां गाऊं, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं ये पथ बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। कोई भी रिसर्च करिए, आपके मन की रिसर्च करिए, सही तरीके से करिए
और उसके परिणामों को प्रकाशित करिए। हर रिसर्च अच्छी रिसर्च है, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी कि कौन सी रिसर्च अच्छी है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छी रिसर्च है या नहीं। कुछ आप नया दे पा रहे हैं, कुछ पुरानी प्रक्रिया में सुधार कर रहे हैं, कुछ नई प्रक्रिया बता रहे हैं आपके। मैंने इसीलिए आपको एक सरल सी परिभाषा शुरू में सुना दी। अब रिसर्च की प्रक्रिया क्या हो, और कई तरह के आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव पेपर है, काज एंड इफेक्ट पेपर है, एनालिटिकल पेपर है, कंपेरेटिव स्टडीज हैं, बहुत तरीके के रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखें, सबकी प्रक्रिया लगभग लगभग एक जैसी है। तो अब मैं आपको उस प्रक्रिया की तरफ ले चलता हूं, जो आज के व्याख्यान का एक मुख्य बिंदु है, हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, गोल एंड प्रोसेस, और उसके बाद टेक्निक्स की चर्चा। प्रोसेस क्या हो, ध्यान रखिए, रिसर्च पेपर अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जानकारी, जब मैं कहता हूं जानकारी माने रिसर्च, यानी आपने कोई रिसर्च की होगी, आप कोई रिसर्च कर चुके हैं, तो जो आपने किया है वो आप वर्णन करेंगे तो वो रिसर्च पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई रिसर्च की नहीं है तो फिर आप रिसर्च करेंगे और फिर उसको लिखेंगे। ध्यान रखिए, बिना रिसर्च किए हुए रिसर्च पेपर नहीं लिखा जा सकता। मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि हम में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो बिना रिसर्च किए रिसर्च पेपर लिख दें, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। रिसर्च के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए तो रिसर्च करनी ही पड़ेगी। आपने सुना होगा कि कहा जाता है आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़े लिखे का मतलब, लिखे पढ़े आदमी ऐसा कोई नहीं बोलता, सब लोग बोलते आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मीन्स पढ़ना पहले है, लिखना बाद में है। और जब पढ़ना हम शब्द कहते हैं, पढ़ना माने रिसर्च, दूसरों ने क्या कहा, इसीलिए तो रिव्यू करते हैं ना हम, दूसरों ने क्या कहा। यानी पहले पढ़ेंगे, पहले जानकारी जुटाएंगे, सूचना जुटाएंगे, उसके बाद आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो रिसर्च पेपर की प्रक्रिया क्या है, अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने या तो रिसर्च कर रखी है या आप रिसर्च आप कर रहे हैं और उसको शोध पत्र के रूप में लिखना चाहते हैं। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो आपको एरिया ढूंढना है कि मैं किस क्षेत्र में काम करने वाला हूं। अब मान लीजिए आजकल कोविड की चर्चा हो रही है और आपको लगता है कोविड के समय में शिक्षा एक बड़ा एरिया है, ठीक है, आपने तय किया कोविड के समय में शिक्षा, मैं इस पे एक पर्चा लिखता हूं। ये एक बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, ये एक एरिया है। अब इस एरिया में आपको तय करना है कि आप करने क्या वाले हैं, लिखने क्या वाले हैं। अब ये भी हो सकता है कि और आप किस तरीके से लिखने वक्त आप रिसर्च करने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो तरीके कि मैं सोच रहा हूँ कि कोविड के समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, इसका विद्यार्थियों के मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एरिया मैंने बनाया कोविड और शिक्षा, और अब मैंने उसको थोड़ा डिलिमिट करना शुरू कर दिया। अब मैं आ गया कोविड और कोविड के समय में ऑनलाइन एजुकेशन। अब उसके बाद मैं तय करता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं, रिसर्च करूंगा कैसे। एक तरीका, एक छोटा सा क्वेश्चनेयर बनाऊंगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनसे सवाल जवाब करूंगा और उसके निष्कर्षों के आधार पर एक रिसर्च कर दूंगा, ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका कि कोविड के समय में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो तरह तरह के शोध किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही हैं, उनका अध्ययन करूंगा और उनके अध्ययन को निष्कर्ष मान के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कहूंगा, आपके ऊपर है, पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं। पहला तरीका भी ठीक है, दूसरा तरीका भी ठीक है, दोनों को मिला के इस्तेमाल करें वो भी ठीक है, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है और आप किसी भी तरह की रिसर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहले आपने एक एरिया क्षेत्र तय किया और फिर अपने को पिन पॉइंट किया कि भाई मैं इस टॉपिक पर, इस विषय वस्तु पर लिखने वाला हूँ,
तो एरिया सबसे पहले हमेशा जब भी रिसर्च पेपर लिखें तो एरिया तय करें, और एरिया तय करने के बाद फिर अपना टॉपिक तय करें, जिसको हम कई बार कहते हैं टाइटल तय करें। जरूरी नहीं कि टाइटल पहली बार बहुत अच्छा ही बन जाए, लेकिन एक मोटा मोटा टाइटल बना सकते हैं, जिसको मैं बाद में लाऊंगा। बीच में मैं रुक रहा हूँ, एक बड़ी मुझे महत्वपूर्ण बात जो नए रिसर्चर के लिए बहुत काम की है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर आप सिर्फ ये चीज़ सीख लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आपसे बात करने का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि नए रिसर्चर, क्या हम लोग भी अक्सर ये गलती करते हैं, आज हमारे शोध का एरिया कुछ और होता है, कल दूसरा होता है, परसों तीसरा होता है, आज हम वोकेशनल एजुकेशन पे बात करते हैं, कल टीचर एजुकेशन पे बात करते हैं, किसी दिन और किसी एरिया पे बात करते हैं, किसी दिन कोई हमारा वीमेन एजुकेशन पे पहुंच जाते हैं। कोशिश करिए आपका जो पसंदीदा एरिया हो अपनी रिसर्च को उसी पे फोकस करिए। अगर आप 8-10 साल उस एरिया में काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप लेक्चर दे रहे होंगे और हम लोग आपका लेक्चर सुन रहे होंगे, आपकी पहचान होगी कि ये इस क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति है। तो रोज एरिया मत बदलिए, ये नहीं कि आज कुछ एरिया कल दूसरा एरिया, ऐसा मत करिए। अक्सर ये होता है, यहाँ पर सेमिनार है वहाँ भी हमने एक पेपर पढ़ दिया, अगले दिन दूसरी जगह दूसरे विषय पर है वहाँ भी पेपर पढ़ दिया। नहीं, मेरा नए शोधकर्ताओं से ज़रूर ये आग्रह है, अपना एक एरिया बनाएं, उस पर खूब रिसर्च करें और अपने को विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करें। तो मैं फिर आता हूँ, सबसे पहले आपने एक एरिया चुन लिया, एरिया के ऊपर टॉपिक बनाया। अब टॉपिक के बाद क्या, फिर वही बात, पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं लिखने में वो बात आने वाली नहीं है। पढ़िए लोग कैसे लिखते हैं, लोगों ने क्या रिसर्च की है, और जितना ही आप उस विषय को करेंगे आपके अंदर नए नए विचार और भाव प्रकट होते जाएंगे। आपने शोध अपना कर लिया है फिर भी पढ़िए, दूसरों की बात के साथ अपनी बात को मिला के कहना, यही तो रिसर्च की खूबी है। हमारा जो ज्ञान है वो ऐसे ही आया है, और हमारा ज्ञान तो श्रुति परंपरा में आया, एक ने कुछ कहा, दूसरे ने आगे बढ़ाया, तीसरे ने आगे बढ़ाया, और ज्ञान एक चेन की तरह है जिसको आप आगे बढ़ाते। तो आप अपना एरिया बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, और फिर तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी कलम उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए, और उस पर जो लोगों ने कहा है और आपके विषय से संबंधित है, यानी आपके टॉपिक से संबंधित है, उसको नोट कर लीजिए। यानी आपके पास पर्याप्त जानकारी हो उस विषय की, मान लीजिए आपको इसी पर हाउ टू राइट रिसर्च पेपर पर एक व्याख्यान देना होता या एक पेपर लिखना होता, तो आपको एक परिभाषा देनी पड़ती रिसर्च पेपर क्या है, ये भी कहना पड़ता रिसर्च पेपर की ज़रूरत क्या है, रिसर्च पेपर लिखने के तरीके क्या हैं, कैसे लिखना चाहिए, और ये सब आपको जानकारी आपके पास तो है लेकिन औरों ने भी इस विषय पे बहुत काम किया, तो उनकी जानकारी को जब आप नोट करते हैं एक जगह, इस कॉल नोट टेकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी प्रक्रिया बदल गई, हम लोग जब पहले छोटे थे तो हम लोग कागज कलम पे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, आप लोग सीधा लैपटॉप पे टाइप कर लेते, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट टेकिंग तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई, एरिया बनाया आपने, एरिया के बाद एक टॉपिक तय किया यानी अपने को डीलिमिट किया, और डीलिमिट करने के बाद आपने उस विषय पे पढ़ा। अब रिसर्च पेपर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मकान का नक्शा बनाना, यानी कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कौन सी चीज़ पहले कहनी है, कौन सी चीज़ बाद में कहनी है, किससे अपने पेपर का अंत करना है, किससे अपने पेपर की शुरुआत करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको हम कहते हैं कि सीक्वेंसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, जो कुछ सूचना है, ध्यान रखें जब डेटा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेटा का मतलब शब्द भी है और डेटा का मतलब आंकड़े भी है। आंकड़ों को कैसे मैं अरेंज करूं, क्योंकि आपका रिसर्च पेपर दूसरा पढ़ेगा, यहाँ तो मैं आपको अपनी बात सुना रहा हूँ, लेकिन आप जब का रिसर्च पेपर कोई पढ़ रहा होगा तो वो एक कहानी सुन रहा होगा, तो वो कहानी कैसे इतनी अच्छी कही जाए कि वो पहली लाइन से पढ़ना शुरू करे और अंत तक पढ़ता चला जाए। तो आपको उसकी सीक्वेंसिंग तय करनी है कि कैसे आप
उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, उस सीक्वेंसिंग पे भी चर्चा। लेकिन चौथी बात कि आप अपने मैटर को कौन सी चीज़ आप बैकग्राउंड में डालने वाले हैं, कौन सी रिव्यू में डालेंगे, कौन सी डिस्कशन में इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल आप कंक्लूजन में करने वाले हैं, तो ये आपको एक तय करना पड़ेगा, उसकी एक सीक्वेंसिंग। तो पहले आपने अपना एरिया तय किया, टॉपिक तय किया, टॉपिक के हिसाब से पाठ्य आपने सामग्री के एकत्रित की, और सामग्री एकत्रित करने के बाद आपने एक डिवीजन किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आप लाने वाले हैं। जब ये चार चीज़ें हो गई तो अब जो पड़ाव आता है जिसको हम राइटिंग फेज कहते हैं वो शुरू होगा और आप लिखेंगे। जैसा मैंने कहा कि हर जर्नल अलग अलग, अगर आप निश्चित रूप से रिसर्च पेपर लिखेंगे तो कहीं प्रकाशित भी कराना चाहेंगे, आप जहां प्रकाशित कराना चाहते हैं उनकी गाइडलाइन देख लीजिए। उनकी गाइडलाइन में ये दिया रहता है कि कितने शब्दों का रिसर्च पेपर स्वीकार्य होगा, लेकिन अमूमन 5,000 शब्द बढ़िया हैं, 5,000 कुछ 6,000 तक भी मांगते हैं, और मतलब 10 से 12 प्रश्न आपको लिखने हैं। ध्यान रखें 10 से 12 प्रश्न, आपके पास जो कुछ सामग्री है उसे आपको 10 से 12 प्रश्न में लाना है, एक सीक्वेंस में रखना है, पूरी बात कहनी है, और क्या क्या बात कहनी है अभी उसकी तरफ भी आएंगे, अभी मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, फिर क्या क्या हमें एक रिसर्च पेपर में कहना होता है इसकी भी बात करूँगा। तो फिर आपको लिखना है, आपने तो चौथा चरण लिखने का हो गया, आपने एरिया बनाया, टॉपिक डिसाइड किया, सामग्री जुटाई, और सामग्री जुटाने के बाद आपने उसका रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया, एक सीक्वेंसिंग बनाई और सीक्वेंसिंग बनने के बाद एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया। रफ ड्राफ्ट तैयार करने के बाद निश्चित रूप से आप उसको, क्योंकि जब हम लिखते हैं, और खासकर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं लिखता हूँ तो उस समय बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता नहीं करता कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं, यहाँ पर ये बात बन रही है नहीं, मुझे जो विचार आता है और उसको मैं लिखता जाता हूँ, क्योंकि विचारों का एक प्रवाह होता है जिसे मैं रोकता नहीं। उसके बाद जब मैं दोबारा लिख देता हूँ तो फिर थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर विचार करता हूँ कि ये मैंने सेंटेंस ठीक बनाया है नहीं, इसकी सीक्वेंसिंग ठीक है आगे पीछे। तो एक बार आप जिसको हम कहते हैं, पहले हम एक ड्राफ्ट शेप देते हैं और उसके बाद हम उसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद हमको एक काम करना चाहिए जो हम नहीं करते, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। अगर हो सके, मैं ये करता हूँ कोशिश, अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी करिए, अगर आपका कोई सहयोगी, आपका कोई साथी उसको एक बार पढ़ दे तो बहुत अच्छा। कई बार मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ, मेरा अनुरोध मान लेते हैं कि मैं उन्हें अपना पेपर देता हूँ कि भाई इसे पढ़ के बताओ इसमें क्या गलती है, और कई बार वो बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं कि सर यहाँ आपने ये गलत लिख दिया, यहाँ ये डाटा ठीक नहीं है, यहाँ ये सेंटेंस ठीक नहीं है। तो आप एक बार अपने लिखे हुए को अगर अपने साथी से पढ़ाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो और अच्छा होगा, वो आपकी त्रुटियों का निराकरण करे। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे साथी को नहीं पढ़ाना है जो कह रहे आपने बहुत अच्छा लिखा, नहीं, अगर ऐसे साथी को पढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आप उसको दे सकते, जब उसके सुझाव मिलने के बाद आप उसको सुधार सकते हैं, और सुधारने के बाद फिर उसे एक फाइनल शेप दे सकते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए पेपर लिखने वाले हैं तो फिर कोई बढ़िया आप पेपर लिखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब मैं जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा कि एक पेपर में होना क्या क्या चाहिए, इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी कलम पे, कॉपी किताब में लिख लीजिए। ध्यान रखिए कि क्या क्या आपके रिसर्च में होना चाहिए एक रिसर्च पेपर में। आजकल जो रिसर्च पेपर का ट्रेंड है उसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, एक बहुत ही स्पष्ट टाइटल, बहुत ही बढ़िया, उसको टाइटल को पढ़ के ही पता चल जाए कि आपके अंदर रिसर्च आपने क्या की है। एक टाइटल है और टाइटल आप लगातार देखते रहे, बहुत बड़ा नहीं हो। आजकल जो कई बार जनरल की गाइडलाइन में पढ़ता हूँ 17-18 शब्दों का ऐसे टाइटल तक आप बना सकते, तो एक अच्छा टाइटल। उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट, संक्षिप्तिका,
ये 100 150 कई बार 200 तक, लेकिन ज्यादातर 100 से 200 शब्दों के बीच घूमती है। और ये संक्षिप्तिका यानी एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल जैसे पिक्चर्स का या आजकल वेब सीरीज आती है उनका ट्रेलर होता है कि उसको देखने के बाद ही मन हो जाता है कि मुझे तो ये पिक्चर या वेब सीरीज देखनी है। आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद दूसरे का मन हो जाए कि वाह वाह वाह, मुझे तो ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। और आजकल बहुत सारे जगह पर तो ओपन एक्सेस है, यानी आपका रिसर्च पेपर लोग फ्री में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे पब्लिकेशन हाउस हैं जो आपसे पेपर पढ़ने के लिए, कोई आपका पेपर कोई पढ़ना चाहेगा तो उससे कुछ पैसा लेते हैं। और ध्यान हमेशा उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो आपको प्रेरित तो करता है लेकिन पूरी बात आपको बताता नहीं है, और अगर पूरी बात जाननी है तो आपको पूरा पेपर पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिए आपका एब्स्ट्रैक्ट ऐसा हो कि जिसको कहते हैं हुकिंग द लर्नर, हुकिंग द रीडर, मतलब जो खींच ले कि भाई ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत ध्यान से कई बार मैं रिव्यू करता हूँ या कई सारे पेपर पढ़ता हूँ, कई एब्स्ट्रैक्ट इतने अच्छे होते हैं कि उसको पढ़ने के बाद मेरा पूरा मन होता है कि पूरा पेपर पढ़ूं। लेकिन वाइस वर्सा भी है, कई बार एब्स्ट्रैक्ट इतना खराब होता है कि उसको पढ़ने के बाद पेपर पढ़ने का मन होता नहीं, भले उसने अंदर बहुत अच्छा लिखा हो। पहली चीज, टाइटल आपको अच्छा सा देना है, कैची टाइटल देना है जिसमें स्पष्टता भी हो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट देना है, और आजकल एक तीसरी प्रवृत्ति आई है जो आपको देनी है, कीवर्ड्स देने हैं। कीवर्ड्स गूगल पे कोई भी या किसी भी सर्च इंजन पे अगर कुछ सर्च किया जाता है तो कीवर्ड्स के माध्यम से आपके पेपर को लोग सर्च कर पाएंगे। तो अमूमन जनरल बताते हैं 3 4 5 6 कीवर्ड्स आपको देने हैं। कीवर्ड्स मीन्स जो उस रिसर्च पेपर के मूल में हो वो आप कीवर्ड्स उनको कहेंगे। तो आप 4 5 कीवर्ड्स दे सकते हैं। मान लीजिए आपने टीचर एजुकेशन इन इंडिया लिखा तो आपका कीवर्ड्स हो सकता है टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इंडिया, 4 कीवर्ड्स हो गए। इन वर्ड पे कोई भी सर्च करेगा आपका पेपर खुलने की संभावना है। अब हम जो शुरुआत करते हैं वो बैकग्राउंड, कुछ लोग उसे इंट्रोडक्शन भी करते हैं, जो एक या दो पैराग्राफ में आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस रिसर्च पेपर के पीछे क्या है। तो हर पेपर में, वो किसी तरह का पेपर हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड पेपर हो, रिव्यू बेस्ड पेपर हो, आप बैकग्राउंड देते हैं जिसमें आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना, आपको सीधे सीधे आना है, सीधे सीधे अपनी बात को कहना है, बहुत पीछे नहीं जाना। कई बार रिसर्चर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए वो टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इन मॉडर्न टीचर एजुकेशन इन इंडिया लिख रहे हैं तो वो पूरा भारत में शिक्षा कब से शुरू हुई। अगर उनका उद्देश्य भारत में शिक्षा, शिक्षक शिक्षा की यात्रा पहले से लेके आज तक बताना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें आज के शिक्षक शिक्षा की बात करनी है तो एक पैराग्राफ में सारी बात को वो कह सकते हैं। तो अगला जो चरण होगा जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद कई बार हम रिव्यू लिखते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड है उसमें हम बैकग्राउंड के साथ ही रिव्यू को भी शामिल कर लेते हैं। यानी बैकग्राउंड को में जो रिव्यू है, रिव्यू के माध्यम से औरों ने जो रिसर्च की उसके माध्यम से अपनी बात को कहते हुए चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहे रिव्यू अलग से लिख सकते हैं, लेकिन अब जो नया है उसमें बैकग्राउंड के अंदर ही रिव्यू शामिल है। रिव्यू के बाद जो अगला पड़ाव है उसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। ऐसा मैंने पाया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या जिसमें हमने आंकड़े जुटाए और वहां की, तो वहां तो हम मेथोडोलॉजी लिखते हैं, लेकिन अगर हमने रिव्यू बेस्ड रिसर्च किया तो हम मेथोडोलॉजी नहीं लिखते। आपको इससे बचना है, कोई भी पेपर लिखें मेथोडोलॉजी जरूर लिखें। मेथोडोलॉजी का मतलब, आप कहेंगे कि मैंने तो टीचर एजुकेशन पे एक आर्टिकल लिखा, मेरी क्या मेथोडोलॉजी होगी। आप लिखें मेथोडोलॉजी में कि मैंने इस पेपर को लिखने के लिए टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी कमीशन और कमिटीज थे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स थे, उनका अध्ययन किया है और उनका विश्लेषण किया है। आपकी मेथोडोलॉजी में ये पार्ट आ जाना चाहिए। यानी किसी भी तरह का पेपर लिखें, मेथोडोलॉजी जरूर लिखें। मैंने अपने अनुभव से ये पाया है, मुझे थोड़ा अनुभव यहाँ और बाहर का भी है, वहाँ बहुत से रिसर्चर से बात हुई तो उनका अक्सर कहना था कि आप लोग जो पेपर लिखते हैं उसमें मेथोडोलॉजी का जिक्र ही नहीं करते। तो आप अगर मेथोडोलॉजी का जिक्र करेंगे तो
तो करेंगे। और जिसने आंकड़े जुटाए हैं तो वो तो लिखेगा ही कि ये मेरी मेथोडोलॉजी थी, मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया, सैंपल इस तरह से कलेक्ट किया, कितना मेरा सैंपल था, सैंपल का नेचर कैसा था, इस सब का आप उल्लेख करेंगे। और अगर ये स्पष्ट उल्लेख नहीं होगा तो अच्छा पेपर नहीं होगा। आपका जो भी मेथड हो, आप बिना किसी मेथोडोलॉजी के पेपर लिख ही नहीं सकते। तो मेथोडोलॉजी तो आपको लिखनी है, और आपने की भी होती है, लेकिन हम लिखते नहीं, तो लिखिए मेथोडोलॉजी। उसके बाद जो अगला चरण है वो एनालिसिस का चरण है, विश्लेषण का चरण है, वो रिव्यू बेस पेपर में भी होगा, और आपने अगर आंकड़े जुटाए हैं तो उसमें भी होगा कि आप एनालिसिस करेंगे, संख्यात्मक भी कर सकते हैं, गुणात्मक भी कर सकते हैं, जैसा भी आपका रिसर्च पेपर हो, वहां पर उसका विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। और आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद जो अगला चरण है उसको हम कहते हैं निष्कर्ष, यानी हमारे निष्कर्ष क्या निकले। कई बार लोग विश्लेषण एवं निष्कर्ष भी कह देते हैं, कई बार लोग विश्लेषण अलग कहते हैं, निष्कर्ष अलग कहते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अच्छा रिसर्च पेपर वो कि जिसको पढ़ने के बाद आदमी को पता चल जाए कि निष्कर्ष निकला क्या। कई बार शोध पत्रों को पढ़ने के बाद ये पता ही नहीं चलता कि इन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या। और मैं मजाक में कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा पेपर लिखते हैं कि ढूंढते रह जाओगे, यानी 10 पेज पढ़ने के बाद पता नहीं चलेगा कि निष्कर्ष क्या था। नहीं, निष्कर्ष तो होना ही, लिखना ही चाहिए कि क्या निष्कर्ष है। आप विश्लेषण के साथ लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, और जो उसके बाद आप लिखते हैं उसको हम कंक्लूजन कहते हैं, जिसको हम सारांश, ये कंक्लूजन कहेंगे। और उस कंक्लूजन, बहुत बड़ा, कुछ लोग कंक्लूजन 4 पैरे का लिखते हैं, नहीं, कंक्लूजन तो 1 पैरा बहुत है, बिल्कुल, जिसमें पूरी बात आ जाए कि 9-10 पृष्ठों में आपने क्या कहा और क्या निष्कर्ष पे पहुंचे। और कंक्लूजन के बाद जो चरण है, जिस पे अभी आगे मैं आऊंगा और थोड़ी विस्तार से चर्चा करूंगा, वो है एंड नोट एंड रेफरेंसेस। दो शब्द मैंने इस्तेमाल किए, एंड नोट, एंड नोट। कई बार हमने अंदर कुछ ऐसी बात कही होती है जिसका हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमने स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट की बात की, और मैं, मेरा पेपर कहीं बाहर छपा तो एंड नोट में मैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एंड नोट एंड देन रेफरेंसेस। ध्यान रखिए, कई शोध में कई सारे हम बिब्लियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ऐसा ऐसा कुछ हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म यूज करते हैं, वो है रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस पे मैं अभी विशेष आपको जोड़ दूंगा, आगे बात करूंगा रेफरेंसेस क्या होते हैं और हमें क्यों करने चाहिए। तो एक शोध, अच्छा शोध पत्र ये कि जिसमें एक अच्छा टाइटल हो, एक 100-150 शब्दों का, कि ऐसी संक्षिप्ति का एब्स्ट्रैक्ट हो कि जिसको पढ़ने के बाद पूरे पेपर में हमें क्या मिलने वाला है ये पता चल जाए, जो आपका सेलिंग पॉइंट हो, 5 या 6 कीवर्ड्स हो, आपके पेपर की बैकग्राउंड हो, आपकी मेथोडोलॉजी हो कि आपने कैसे इस रिसर्च को संपादित किया, आपने जो आंकड़े जुटाए हैं उनका विश्लेषण हो, उन विश्लेषण के माध्यम से आपने क्या निष्कर्ष उत्पादित किए इसकी स्पष्ट व्याख्या हो, और अंत में आपका कंक्लूजन हो कि आप इस 9-10 पृष्ठों के माध्यम से क्या प्रेषित करना चाहते थे और आपकी मंशा क्या है। और आपने जिन अन्य शोध का उदाहरण दिया उनकी चर्चा रेफरेंस के माध्यम से की गई हो। अगर आप ये सारे पड़ाव पूरे करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका रिसर्च पेपर मानक के अनुरूप है, और ये आप कहीं भी किसी को भी प्रकाशित करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन चर्चा ये कि हम इसमें रुकते कहाँ हैं, गड़बड़ कहाँ होती है। एक बड़ी गड़बड़ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब हमने जिसकी बात पढ़ी है और उसकी बात हमें लगी कि हमारे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसका अपने शोध में जिक्र करना। और मैं सब रिसर्चर से आग्रह करूंगा कि ध्यान रखिए, आजकल प्लेगरिज्म के नियम इतने सख्त हो गए हैं कि कई बार हमें पता नहीं होता और हम लोग, हम पे आरोप लग जाता है कि हमने प्लेगरिज्म की। तो ध्यान रखिए कि
कि रेफरेंस में हम वही चीज लिखेंगे, दो चीजें होती, इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंसिंग। हमने जिसका जिक्र किया अंदर उसी का रेफरेंस देंगे, जिसका जिक्र नहीं किया उसका रेफरेंस देने का कोई मतलब नहीं। अब रेफरेंसिंग कैसे करें? रेफरेंसिंग करने के बहुत तरीके हैं। कई बार जनरल भी अपनी गाइडलाइन निकालते हैं। एपीआई स्टाइल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की, जो सबसे पॉपुलर है सोशल साइंसेज में। एमएलए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, बहुत सारी स्टाइल्स हैं और आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सारी स्टाइल में एक ही कॉमन बात है कि जिसको इंटेक्स करेंगे उसको बाहर भी करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये भी दूसरी चीज़ जो आप सीख जाएंगे तो आगे बहुत आपको काम आने वाली है। अगर मैंने किसी की शब्द, किसी की बात को हूबहू अपने पेपर में लिखा है तो मुझे इन्वर्टेड कामा में लिखना है उसको, और उसके पृष्ठ संख्या का उल्लेख जरूरी है। और अगर वो प्रश्न, मान लीजिए पेज 19 पे भी उसकी बात है और वो आगे चलते हुए 20 पे चली गई, तो मुझे दोनों लिखने होंगे, 19-20। कई बार ये भी सवाल कई बार विद्यार्थी पूछते कि सर ये तो वेबसाइट पे से मटेरियल मुझे मिला है और इसमें वेबसाइट में, तो मैं इसमें पेज नंबर कैसे लिखूं? ठीक बात है, वहां पर पेज नंबर की जगह हम पैराग्राफ नंबर लिखते। तो अगर मैंने किसी की बात हूबहू अपने पेपर में लिखी तो मुझे उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है पृष्ठ संख्या डालते हुए। और अगर मैंने किसी की बात से प्रेरित होकर कुछ बात लिखी तब भी उसका रेफरेंस करना है, लेकिन वहां पर प्रश्न संख्या डालने की बाध्यता नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने अगर कोई मेरी बात इस लेक्चर में से कोई बात हूबहू उठा ली तो आप लिखेंगे मिश्रा कामा 2020, और हमेशा रिसर्च में सरनेम चलेगा, डॉक्टर प्रोफेसर, ये ऐसा कुछ नहीं चलता। सरनेम मिश्रा कॉमा 2020 ईयर, और अगर हूबहू लिखा कॉमा P19 पेज नंबर, और अगर आपने थोड़ा बदल के लिखा है तो मिश्रा कामा 2020 इतने से चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए जो आपने रिसर्च के अंदर लिखा है रेफरेंस में वही होना चाहिए, यानी दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। और आप सबको मैं अनुरोध करूंगा, आप में से बहुत ने पढ़ रखा होगा, कि आप ज्यादा नहीं तो एपीआई स्टाइल तो जरूर पढ़िए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो ये बताती है मुझे किताब का रेफरेंस कैसे देना है, मुझे संपादित पुस्तक का कैसे देना है, जनरल का कैसे देना है, अगर वेबसाइट से कुछ सामग्री ली तो कैसे देना है, वीडियो कहीं से देख के कुछ लिखा तो, यानी वो बताता है। तो आपको रेफरेंस जरूर देना है, और अगर आप रेफरेंस देते हैं तो प्लेगरिज्म के समस्या से भी काफी उसका समाधान होता है, वो उस समस्या में आप नहीं आते। एक और चीज ये भी ध्यान रखना है कि रेफरेंस तो हम दे सकते हैं किसी का, लेकिन कॉपीराइट एक्ट हमें बहुत बड़ा पोर्शन किसी का लिखने से मना करता है। और जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम उसकी लिखी हुई बात को तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी का टेबल, चार्ट, ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। और ये लेक्चर के आज उसका मुख्य विषय नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पर भी बात करूं, अगर कभी मौका लगेगा तो हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि कॉपीराइट क्या है, कैसे होना चाहिए रिसर्च में, उसको हम क्या चीज़ें ध्यान में रखें, उस पर एक अलग से भी व्याख्यान हो सकता है, उस पर बात की जा सकती है। तो मेरा कहना ये कि हम रिसर्च पेपर लिखें तो क्या और क्या ध्यान रखें, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। एक रिसर्च पेपर में क्या चीज़ें हम लिखें तो किस क्रम में लिखें, उसके अंदर क्या होना चाहिए ये बता दिया। अब हमारी टेक्निक क्या है? देखिए रिसर्च पेपर लिखना साइंस भी है और आर्ट भी है, और वो है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास है, आप जितना ही लिखेंगे उतना ही आपकी लेखनी निखरेगी। आपको संकोच नहीं करना है, लेकिन आजकल जो एक प्रवृत्ति है उससे मैं खासकर नए विद्यार्थियों को बचने की भी सलाह दूंगा। ये झगड़ा है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का। रिसर्च पेपर तो लिखें, लेकिन उद्देश्य ये ना हो कि बस मुझे रिसर्च पेपर लिखना है। नहीं, उद्देश्य ये कि मेरा रिसर्च पेपर अगर मैं कुछ लिखूं तो उसे लोग पढ़े भी, और खाली पढ़े नहीं, उसको लोग अपने रिसर्च पेपर पे
साइट भी करें, जिसको साइटेशन इंडेक्स कहते हैं। और अगर आप कभी गूगल में जाएं, गूगल में, गूगल स्कॉलर में जाएं, और वहाँ एक अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपने कुछ पेपर लिखे हैं तो गूगल बताता है कि आपके किस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है, और उस साइटेशन के हिसाब से आपका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स तैयार करता है। और जिसका एच इंडेक्स, आई इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसको हम मानते हैं कि उसकी रिसर्च समाज के काम की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100 पेपर लिख दिए लेकिन उनका एच इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने 20 पेपर लिखे उनका एच इंडेक्स ज़्यादा, यानी उनकी रिसर्च को लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि रिसर्च पेपर की मेरी संख्या बढ़ जाए। संख्या ठीक है, जब हम नए होते हैं तो संख्या की भी बात है, प्रमोशन में, एपीआई में, रिकग्निशन में, लेकिन एक बार आपका ये टारगेट पूरा हो जाए तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं 2 पेपर 3 पेपर लिखूंगा, लेकिन ऐसा लिखूंगा कि जिसको लोग पढ़े भी और अपनी रिसर्च में भी साइट करें। तो पहला ये कि लिखने से घबराना नहीं है, लिखना कुछ ऐसा नहीं है कि कोई, सब कोई लिख सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा प्रयास की, थोड़ा श्रम की ज़रूरत होगी, तो लिखें। लिखने के बाद दूसरी जो टेक्निक मैं मानता हूँ, थोड़ा विचार विमर्श करें, अगर आपके साथी है उनसे चर्चा करें। मैं कभी मत सोचिए कि मेरा कोई आइडिया चुरा लेगा, मेरी कोई बात चुरा लेगा। अगर ये चुराने की बात होती तो इंटरनेट पे कुछ आता ही नहीं। आप देखें इंटरनेट पे तो अब लोग जान के चीज़ें डालते हैं, क्योंकि अगर इस पे आएंगी तो फैलेंगी। अब तो लोग चीज़ों को वायरल करना चाहते हैं। तो आप अपना आइडिया बात करिए और उसको आगे विकसित करिए, आगे ले जाइए। तो लिखने में मत करिए, लेकिन हाँ फिर मैं आपको पीछे ले चलूँगा, पढ़िए फिर लिखिए। कई बार ऐसा भी पाता हूँ कि आदमी बैठा और उसने 2 पेज लिख दिया और छापने वाले तैयार हैं, उन्होंने छाप दिया। ये इससे मैं आपको कहूँगा, इससे आपको बचने की कोशिश करिए। आप अपनी फील्ड का जो सबसे बढ़िया जर्नल मानते हों, मैं कहूँगा अपना पेपर उसको भेजिए। वो नहीं छापेगा आपको पता है, लेकिन वो बताएगा तो सही कि क्या कमियाँ हैं, उन कमियों को सुधारिए। तो रिसर्च पेपर में हमेशा आप हर पेपर लिखने के बाद अपने को और परिपक्व पाएंगे। तो पहला मेरा सुझाव, लिखिए, सरल भाषा में लिखिए, जिस भाषा में आप सहज हों उसमें लिखिए। अगर आप हिंदी में अच्छा लिख लेते हैं, उड़िया में अच्छा लिख लेते हैं, बंगाली में अच्छा लिख लेते हैं तो लिखिए। इवन इन भाषाओं में लिखने वालों की कमी है, अंग्रेजी में लिखने वालों की अधिकता है, तो अगर आप अपनी भाषा में भी लिखते हैं तो कोई चिंता नहीं, लिखिए, सहज होकर लिखिए। और देखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कम्युनिकेटिव टोन में लिखिए। कम्युनिकेटिव टोन यानी आपका पेपर पढ़ने वाले से बात करता हो। रिसर्च के नाम पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि रिसर्च क्यों नहीं समाज से जुड़ती, क्योंकि रिसर्च बड़ी बौद्धिक है, लोगों के साथ जुड़ती नहीं है। आपका रिसर्च पेपर ऐसा हो कि वो सरल से सरल बात को, अपनी कठिन से कठिन बात को बड़ी सरलता से लोगों को प्रेषित कर पाए। तो उसकी टोन कम्युनिकेटिव हो, सहज सरल भाषा में लिखी जाए, दूसरों के शोध को अपने शोध में पिरोते हुए लिखी जाए, बात को एक अच्छे तरीके से कहने के तरीके में लिखी जाए। रिसर्च पेपर का कुछ ना कुछ स्पष्ट उद्देश्य हो। अगर कोई 10 पेज आपके पढ़े और अगर उसको पैसा भी खर्च करना पड़े तो पढ़ने के बाद कहे कि हाँ भाई ये पेपर मैंने 10 पेज पढ़े, मुझे ये नई चीज़, नई बात जानने को मिली, नए तरीके से जानने को मिली। यानी जो एंड यूज़र है उसको कुछ मज़ा आए, उसको कुछ सीखने को मिले, तब तो आपके रिसर्च की सार्थकता है। और अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपने शोध लिख दिया, आपके नाम के साथ एक शोध प्रपत्र जुड़ गया, लेकिन उसके कोई बहुत मायने नहीं है। और मैं हमेशा कहूँगा कि आप जब भी कोई रिसर्च करें तो आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों को नोट करते रहें, इकट्ठा करते रहें और उसके आधार पे लिखते रहें। लिखने को आप एक सतत प्रक्रिया बनाएं। आप देखें दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी महानता में बड़ा योगदान उनको लिखने का रहा है। आज हम जिनको भी जानते हैं, नेल्सन मंडेला जेल में बंद थे, महात्मा गांधी बंद थे, लिखना नहीं छोड़ा उन्होंने, और लिखना आज भी महत्वपूर्ण है। तो लिखिए, लेकिन पढ़ने के बाद लिखिए, समझने के बाद लिखिए, चिंतन करने के बाद लिखिए, और सबसे बड़ी बात मिल बांट के लिखिए। मिल बांट के लिखिए मतलब, जैसा मैंने कहा, पीयर रिव्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पेपर अपने
अपने साथी को दे दीजिए, भाई पढ़ के बताओ इसमें क्या कमी है, और अगर वो कमी बताए तो उससे नाराज नहीं होना, कमी बताए तो उसे चाय पिलाने की, यार तूने बताया इसमें ये गलती थी, तो मैं इसको सुधारूंगा। तो उसको लिखिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए, अपना रिसर्च पेपर अच्छे पब्लिकेशन हाउस को भेजिए, उसको मत भेजिए जो कहता है कि आज आपसे 500 रुपए लूंगा कल आपका पेपर छाप दूंगा। नहीं, वहां आपका रिसर्च पेपर तो छप रहा है लेकिन आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, ये यकीन जानिए, और वो आपको कुछ देने वाला भी नहीं है लाइफ में। आप उसको भेजिए जो कहेगा कि हाँ मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो छापूंगा, नहीं तो लौटा दूंगा। मेरे भी बहुत सारे पेपर अभी भी जाते हैं और लौट आते हैं, वो कभी बताते हैं, मैं उसे पूरा करता हूं और फिर आगे दूसरे को, उनको भेजता हूं या दूसरे को भेजता हूं, क्योंकि इस प्रक्रिया में मैं सीखता हूं। आपसे मैं जो बहुत सारी बातें साझा कर रहा हूं वो पढ़ के नहीं सीखा, वो इन अनुभवों से सीखा हूं। तो इसलिए मित्र, शायद कुछ तकनीकी समस्या के कारण पिछले 3-4 मिनट आपसे बात नहीं कर पाया। मैं जब चर्चा रुकी थी तो बातचीत के अंतिम पड़ाव पर था, मैं आपको यही संप्रेषित करना चाहता था कि अच्छा रिसर्च पेपर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति रिसर्च पेपर लिख सकता है, लेकिन रिसर्च पेपर लिखना एक सतत प्रक्रिया है, हमें घबराना नहीं है, हम अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि अच्छा आप लिख, जैसा मैंने बार बार अनुरोध किया कि आप लिखने से पहले पढ़ें, तो आप पढ़ें, अपने क्षेत्र का चुनाव करें, अपनी विषय वस्तु संजोएं, एक शीर्षक तय करें और फिर उस पर लिखें, और लिखने के बाद उस पर खुद भी चिंतन मनन करें, अपने साथियों से पढ़ाएं, और एक बार संतुष्ट हो तो फिर आप उसको प्रकाशन के लिए भेज सकते हैं। कोशिश ये करें कि प्रकाशन के लिए आप जिसको भेजें वो उनके पास रिव्यूअर उपलब्ध हों, जिससे वो आपके पेपर को रिव्यू कर सकें और उसकी अच्छाइयों और कमियों से आपको परिचित करा सकें। उन लोगों से बचने की कोशिश करें जो आपको निश्चित रूप से प्रकाशित करने की गारंटी देते हैं, क्योंकि वहाँ आप पेपर तो प्रकाशित करते हैं लेकिन मूलतः आप सीखते कुछ नहीं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप रिसर्च पेपर लिखें, और रिसर्च पेपर में अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास करें कि हाँ उस रिसर्च पेपर, क्योंकि इसमें समय लगता है, श्रम लगता है, आपका भी और जो पढ़ रहा है उसका भी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज हो उसमें, कहीं पर नीति नियंताओं के काम आए, कहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने में काम आए, कुछ नई योजना बनाने में काम आए, तो उस रिसर्च पेपर की प्रासंगिकता है, सार्थकता है। तो इसका एक ही मंत्र है, एक ही तरीका है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और धीरे धीरे आप परिमार्जित होते चले जाएंगे। और कोशिश करिए कि लिखना एक सतत प्रक्रिया, एक बार हम लिखते रहते हैं तो हमारा और लिखने का मन होता है, लेकिन अगर हम नहीं लिखते तो फिर लिखना मुश्किल काम जान पड़ता है। तो कोशिश करें कि साल में हम 2-3-4 पेपर लिखेंगे जो अच्छे होंगे, स्तरीय होंगे, हमने जो रिसर्च की है उसको आगे हम लेके जा पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे, इस माध्यम में ये संभव नहीं है, लेकिन आप उन कमेंट्स को अगर डॉक्टर सोमू सिंह को भेज सकते हैं, और मैं डॉक्टर सोमू सिंह से आग्रह करूंगा कि वो उन कमेंट्स को इकट्ठा करें, और उन कमेंट्स को इकट्ठा करके अगर वो मुझे प्रेषित कर देंगे तो, और किसी दिन समय देंगे तो मैं उस अपना अगला व्याख्यान उन्हीं कमेंट्स पे केंद्रित कर दूंगा कि आपने जो कुछ पूछा होगा उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर सोमू सिंह को, इस शिक्षक प्रशिक्षक समूह के निर्माण और इस पे सतत व्याख्यान की श्रृंखला आयोजित करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने मुझे अपने से जुड़ने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया, और कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी,
तो आपने बात सुनी और आप निश्चित रूप से इसमें से कुछ सुनेंगे, गुनेंगे और गुनेंगे और अच्छे रिसर्च पेपर लिखेंगे, और जब प्रकाशित होंगे तो मुझे भी इससे अवगत कराएंगे। ऐसी मेरी शुभकामना आपको। तो मैं हम अंत में आपसे यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, शोध करते रहिए, शोध से अपना और पूरे जगत का कल्याण करते रहिए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं सारा विश्व टकटकी लगाए बैठा है कि कब नई रिसर्च होगी और COVID-19 का टीका निकलेगा। तो मानव कल्याण के लिए शोध ज़रूरी है और हर शोध की महत्ता है। वैज्ञानिक शोध, फिजिकल साइंसेज में भी शोध की महत्ता है, सोशल साइंसेज में भी शोध की महत्ता है, और शोध करने के अवसर बहुत हैं। शोध करते रहिए और उन शोधों को, उन अपने शोध को शोध पत्रों के माध्यम से दुनिया के सामने लाते रहिए। ऐसी मेरी कामना है। आप सब ने मुझे अपने से जुड़ने का, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद, आभार।